अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। स्टीमर चूल्हे पे रख दिया है आप लोगों को, हम आज चूल्हे पे केक बनाना सिखाएंगे, चॉकलेट एंड ऑरेंज फ्लेवर का। ठीक है, मिल्की इसकी डार्क चॉकलेट चॉप करके रख दी है, उसके हमें चंक्स डालने हैं उसके अंदर, और ऑरेंज सीजन में है, मेक द मोस्ट ऑफ इट। इसमें मामलेट भी डालेंगे, ऑरेंज का छिलका भी है, बहुत ही मज़ेदार से छोटे छोटे केक मैं इसमें बना लूँगी। रेसिपी में मैंने एक बड़े केक की रेसिपी लिखी है, वो जैसे लिखी है वैसे ही फॉलो करिएगा अगर आप भी एक बड़ा केक बनाना चाहते हैं चूल्हे पे। लेकिन मैं क्या करूंगी, मैं जल्दी जल्दी बन जाए, क्योंकि उसमें तो एक डेढ़ घंटा लगता है एक बड़ा केक बनने में चूल्हे पे, तो इसीलिए रैमेकिंस काम आ जाएंगे। और फिर मैं आपको आज काजू कतली बनाना सिखाऊंगी, थोड़ी सी बना के लेके आई हूँ, वो वहाँ मैंने रख ली है। और उसके बाद फिर हम एक और मज़ेदार सी रेसिपी, बीफ का एक अंडर कट का पूरा चंक है उसको मैं बॉयल करके लाई हूँ, बिकॉज यहाँ ऑब्वियसली वो कब बॉयल होता, उसको आपको श्रेड करना है। पुल्ड बीफ बर्गर्स बनाएंगे हम। पुल्ड का मतलब होता है कि ना उसका कीमा होगा, ना वो पूरा फ्लैट कोई फिले होगा, ठीक है, वो बॉयल करके या उसको पका के मसाले में उसको आपको श्रेड करना है। पुल्ड का मतलब होता है हाथ से श्रेड कर दीजिए, या फिर आप बीटर के साथ इससे भी श्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक बोल में डाल के गोश्त में चला लीजिए, चिकन में भी चला लीजिए, रेशा बहुत अच्छा हो जाएगा, या फिर फूड प्रोसेसर में। अच्छा, आज है हमारे पास हैंडी वेजिटेबल स्लाइसर। किसको जीतना है फूड डायरीज के शो के थ्रू, आज जल्दी से 8881 पे आप SMS करके मुझे बताइए केक्स के नाम। बहुत सारे केक्स बनाना सिखा चुकी हूँ, ऑलमोस्ट एवरी शो में एक केक या एक मीठा तो होता ही है फूड डायरीज में। तो जल्दी से सोचिए और मुझे SMS करिए या कॉल करिए, नंबर्स हमारे चल रहे हैं। सबसे पहले ऑल द अज्जा इन वन बोल, ठीक है, चलिए। सो 175 ग्राम्स फीका अनसॉल्टेड मक्खन है, और उतनी ही वेट का 175 ग्राम्स मैदा है, 45 ग्राम्स कोको पाउडर है, एक चौथाई टीस्पून बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा का मतलब होता है मीठा सोडा जो हम यूज़ करते हैं, 200 ग्राम ब्राउन शुगर है, एक अदद ऑरेंज का छिलका निकाला है, 3 अदद अंडे हैं, 115 ग्राम नाप के हमने मामलेट रखी हुई है, और 100 ग्राम मिल्कीज की डार्क कुकिंग चॉकलेट है। सो सारी चीज़ों को आपने मिक्स करके बेक करने रख देना है या स्टीम करने रख देना है। ठीक है, फीका अनसॉल्टेड मक्खन, हर चीज बोल्स में से अच्छी तरह स्पैचुला से निकाला करें, कोई भी चीज जाया नहीं हो। बीट करिए, उसमें फिर आप ब्राउन शुगर डालिए, अंडे डालिए, तीन अदद अंडे हैं, एक बिट के बाद एक डालिएगा, मिक्स कीजिए, दूसरा डालिए, फिर ये ऑरेंज का छिलका जाएगा, ठीक है, जेस्ट और चॉकलेट है चॉप करके ये चली जाएगी, फिर मैदे में आपने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और कोको पाउडर भी साथ साथ शामिल कर दीजिएगा, ऑल द ड्राई थिंग्स गो टुगेदर, कोको पाउडर, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और मामलेट। मुझे मामलेट बहुत पसंद है, मैंने बनाना भी सिखाया है मामलेट, और आप बाहर से भी खरीद सकते हैं, रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, एवरीथिंग इज टू बी मिक्स्ड इन, बस, और आप इसको बेक करने रख दीजिए, वहां बेक करने ही बोलती हूँ, इतनी आदत है, स्टीम करने रख दीजिए। यहाँ ऑरेंजेस के फांके ऐसे सेगमेंट्स करके रखा है, मामलेट है, चीनी है, क्रीम है, ये ऊपर आप साइड में सर्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, केक्स के नाम बताने हैं आपने अगर आपको जीतना है। एनिक्स की तरफ से ये हैंडी वेजिटेबल स्लाइसर, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, कॉलर कहाँ हैं? अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी जी जरूर। चॉकलेट आइसक्रीम केक
ड्राई फ्रूट केक, वनीला केक, ब्लैक फॉरेस्ट केक, सिक्स लेयर केक, ठीक है नोट कर दिया, हॉट केक, डेजर्ट केक, थ्री मिल्क चॉकलेट केक, चॉकलेट ट्रफल केक, नो बेक चॉकलेट केक। अरे वाह वाह वाह, आपको तो सारे नाम पता हैं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपको भी मुझे लगता है मेरी तरह केक्स बहुत पसंद हैं। अच्छा जी, ये बैटर हमारा रेडी हो गया, अब जितनी मामलेट लिखी है उतनी ही डालिएगा, ठीक है, डोंट बी टेम्प्टेड टू ऐड मोर। आजकल ऑरेंज एसेंस मार्केट में मिल नहीं रहा है, अगर ऑरेंज एसेंस आपके घर में हो तो ज़रूर उसका इस्तेमाल करिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा तेल लेके आपने ना ग्रीस करने हैं रैमेकिन्स को, साइड्स में भी और ऊपर भी, ठीक है, ताकि आसानी से केक इसके अंदर से निकल आए। और पूरा पूरा नहीं भरिएगा, इसको जगह रखिएगा ताकि ये राइज हो सके। बस इसको मैं रखती हूँ, और यस स्टीमर मैंने ऑन कर दिया था, और स्टीमर हमारा पानी गर्म भी कर चुका था इसका, ये देखें, देखा आपने, इस तरह की एक जाली सी होती है। अगर आपके पास ये नहीं है फिर भी आपको चूल्हे पे केक बनाना है तो एक बड़ी सी पतीली लीजिएगा, उसके अंदर एक रैक रख लीजिएगा, इस तरह का रैक होता है ना, ये वायर रैक, ये पतीली के अंदर रख दीजिएगा, ठीक है, और इसके ऊपर फिर बिठा दीजिएगा टिन को या रैमेकिन्स को, दैट्स इट। फातिमा है साहिवाल से, उनसे बात करते हैं अब। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ जनक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने फरमाइए। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत प्यारा ड्रेस पहना हुआ है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपके आपके सवाल का जवाब भी देना है जी। चॉकलेट केक, वनीला केक, रेड वेलवेट केक, ब्लैक फॉरेस्ट केक, माल्ट केक, कैरेट केक, फ्रूट केक, चीज केक, ठीक है, अभी फिलहाल इतने ही याद है। जी जी बहुत है, इतने भी बहुत है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा, रेसिपीज ट्राई करते रहिएगा। अच्छा जी, ऐसे करते हैं कि अब मैं इसको स्टीमर में रख देती हूँ ताकि ये पकना शुरू हो जाए, और उसके बाद मैं ब्रेक की तरफ चलती हूँ। ब्रेक से आएंगे तो हम काजू कतली बनाना सिखाएंगे आप लोगों को, उसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ हैं, वो गौर से सुनिएगा और बनाइएगा, और उसको ठंडा करके फिर हमने बेलना है, काटना है, सब कुछ, ठीक है। सो आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। यहाँ हम पुल बीफ बर्गर्स के साथ जो वेजेस सर्व करेंगे ना, आलू, इस तरह के आलू अच्छी तरह धो दीजिएगा और आप गर्म पानी में डाल के एक उबाल आए तो निकाल दीजिएगा, ये कच्चे नहीं हैं, ये हाफ डन है। अवन ऑन कर दिया है मैंने, आप इसको वेजेस को किस तरह पकाएंगे, सो नमक लगाइए, थोड़ा सा ओरिगैनो आप चाहें तो ओरिगैनो डाल दीजिए, ठीक है, हर दफ़ा फ्राइज़ फ्राइज़ नहीं, कुछ नया नया भी करें। थोड़ा सा पेपरिका डाल दीजिए फॉर अ नाइस कलर एंड अ फ्लेवर, और थोड़ा सा आप इसमें ऑलिव ऑयल डाल दीजिए, और इसको आप रख दीजिए अवन में ताकि ये जल्दी से रोस्ट हो जाएं और बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। ये अवन में चला गया, फोटाइल का हमारा अवन है, बेहतरीन है, रैक मैंने थोड़ा सा ऊपर किया हुआ है, ठीक है, और ऊपर नीचे का ऑन कर दिया है ताकि ये जल्दी से हो जाए। अब ये बिल्कुल कच्चे नहीं हैं, ये हाफ डन आलू हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, तो ये मैंने सोचा कि इसको मैं एक तरफ कर लूँ। अच्छा, अब यहाँ हम लेंगे क्रीम, ये हम दोबारा आ जाते हैं अपने चॉकलेट ऑरेंज स्टीम केक्स की तरफ, उसके टॉपिंग के लिए उसके साथ में हम ये सर्व करेंगे। सो क्रीम है, मार्मलेड है, उप्स, सॉरी, और चीनी है, इसको आप मिक्स कर दीजिए, ठीक है, ये मैं इसके साथ मिक्स कर देती हूँ ताकि अच्छी तरह लम्स ना रहें, और इसको हम इसके साथ सर्व कर देंगे, सो दिस गोज एट द बैक। यहाँ मैं आई तो आपको मैं प्रोडक्ट्स दिखा दूँ, प्रीमियम वाइट चॉकलेट है, कंपाउंड चॉकलेट जो हम कहते हैं मिल्कीज़ की, इसके साथ साथ इनके फ्लेवर्स हैं, इनके सॉसेज हैं, विपिंग क्रीम है, चॉकलेट के चिप्स हैं, ये वाइट वाले भी हैं, डार्क वाले भी हैं, और इसके साथ साथ हेज़लनट स्प्रेड है, कोको वाला जो है, हैंडी वेजिटेबल स्लाइसर एनएक्स की तरफ से है। अगर आपको जीतना है तो जल्दी से 8881 पे केक्स के नाम लिख के हमें SMS करिए, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। आई कैन सी कि ये बहुत अच्छे से हुए हैं,
स्टीम और देखें राइस भी हुए हैं. आई डोंट वांट टू ओपन द लिड. अगर आपको लगे कि बहुत पानी वो है तो चूल्हा ज़रा कम कर दीजिएगा. ठीक है जी. अच्छा नाउ रुबीना से पहले बात करते हैं फिर हम काजू कतली की तरफ आते हैं. जी हेलो. जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जन्ना. जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने फरमाइए. जी माशाल्लाह से बहुत अच्छा आप पका रही हैं, केक तो बहुत ही जबरदस्त बना रही हैं आप. बहुत आसान था, सब कुछ मिक्स करिए और चूल्हे पे रख दीजिए अगर जी, आपके जी, पास जी, आवन नहीं है तो. ठीक है, मैं तो वैसे आपके कप केक वगैरह ही सब बहुत ट्राई करती हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया. जी और सवाल का जवाब भी दूंगी. जी एप्पल वॉलनट कप केक, फ्लावरलेस चॉकलेट केक, स्ट्रॉबेरी केक, आइसक्रीम केक, कैरमल केक. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, काफ़ी है नाम. थैंक यू सो मच. अच्छा जी काजू कतली की तरफ आते हैं. सो पिसी हुई चीनी है इसमें, पानी है क्वार्टर कप जितना, बस ज़्यादा नहीं, और रोज़ वाटर है. ठीक है रोज़ वाटर है और काजू बहुत बारीक पीसने हैं, बहुत बारीक. आप उसका पाउडर बनाइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं पीसिएगा वरना उसमें से उसका तेल निकलना शुरू हो जाएगा, ये याद रखिएगा. उसको आप अच्छी तरह पकाइए, जब एक बॉल सा बन जाए तो उसको निकालिए, एक चम्मच घी डालिए ताकि उसमें अच्छा सा एक शाइन भी आए, ग्लेज भी आए, और आप उसको नीट करिए, हाथ से गूंदिए. गर्म होगा, ग्लव्स पहन के गूंदिएगा या दो पेपर के बीच में रख के फिर बेल दीजिएगा. बेलने के बाद थोड़ा सा मोटा रखिएगा जैसे मैंने बनाया है, और उसके बाद फिर आप उसके ऊपर चांदी का वर्क लगा दीजिएगा. दोबारा एक दफ़ा उसको बेल के फिर आप उसको सेट होने के लिए छोड़ दीजिएगा. बादाम के साथ, पिस्ते के साथ, अखरोट के साथ, काजू के साथ आप कर सकते हैं. ठीक है, ये पानी और चीनी और रोज वाटर, ये पिसे हुए काजू, बस इसको आपने चलाते रहना है. मिठाई बनाते वक्त एक्सरसाइज बहुत हो जाती है हाथों की, क्योंकि उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं होता है आपने. पोलियो की पहली मुहिम 16 से 20 जनवरी हो रही है. आप अपने घरों के दरवाजे पोलियो के जो वैक्सीन के वर्क देने के वाले वर्कर्स जो हैं, टीम है पोलियो की टीम, उसके लिए खोलिए और घबराइए नहीं. रूमर्स बिल्कुल भी जो लोग स्प्रेड करते हैं वो नहीं मानिए, अफवाहें नहीं सुनिए. ठीक है, और अपने बच्चों की सेहत के लिए पोलियो वैक्सीन, पोलियो के कतरे वगैरह ज़रूर उनको पिलवाएं. हमने सबने पिए हैं, हम सबने अपने बच्चों को भी तो पिलवाए हैं, तो फिर व्हाई आर यू नॉट डूइंग इट, मुझे समझ नहीं आ रहा है. उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए बहुत ये ज़रूरी है. देखिए ये आपको चलाते रहना है, ठीक है, ये छोड़ना नहीं है. इसलिए मैं बीफ बर्गर्स पे नहीं आ रही हूँ अभी. बीफ बर्गर्स के लिए जो बीफ है वो मैंने सिर्फ एक दफ़ा बॉयल कर दिया था, बिकॉज फिर वो कैसे हम करते ना. देखें इसको आपने इतना पकाना है कि ये बिल्कुल एक बॉल सा बन जाए. हाथ बचाइएगा, उड़े ना. और मैंने छोटी सी क्वांटिटी आपको सिखाई है बिकॉज काजू बहुत महंगे हैं, सही है, तो इसलिए आप सीखिए, बनाइए ज़रूर. और ये बहुत स्टीम निकल रही है और मुझे नज़र भी आ रहा है कि ये राइज हुए हैं, इसको भी मुझे चेक करना है. फिर आप इसी रैमेकिन में सर्व करिए या उसको निकाल दीजिए. ये तो आपको चलाते रहना पड़ेगा, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है हमने, नीचे लग जाएगा. बहुत पतला होगा तो आप उसको बेल नहीं सकेंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर आप चीनी बहुत ज़्यादा पक जाएगी अगर, तो फिर वो भी एक मसला है. सो यू हैव टू नो द राइट टाइम जब आपको इसको निकाल देना है चूल्हे पे से, और उस वक्त आप इसमें एक टीस्पून घी है यहाँ मेरे पास रखा हुआ, घी डालेंगे और फिर इसको हम ठंडा करेंगे. थोड़ा सा ठंडा करके फिर बेलेंगे, शुरू करेंगे, बिकॉज अगर आप नहीं बेलेंगे उसको फौरन तो फिर वो भी एक मसला हो जाएगा, वो सेट हो जाएगा, फिर आप बेल नहीं सकोगे उसको. कुछ लोग इसमें दूध का पाउडर डालते हैं, कुछ लोग इसमें कॉर्नफ्लावर डालते हैं. This has to set. It has to cool पहले तो. ठीक है, मैं इसका चूल्हा भी बंद करती हूँ बिकॉज ये फिर बढ़ना नीचे लग रहा है. ओके जी, चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं. ब्रेक में ज़रा मैं ये भी निकाल के स्टीमर को ढक्कर निकाल के देखूंगी इफ दिस इज डन और नॉट. सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी. अगर आपने जीतना है एनएक्स की तरफ से हैंडी वेजिटेबल स्लाइसर तो मुझे 8881 पे SMS करिए या कॉल करके बताइए. केक्स के नाम मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा. टेक अ ब्रेक. जी
वेलकम बैक। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या शुरू कर दिया, बस प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करना था, तो ऑलिव ऑयल ले लें, रेगुलर ऑयल ले लें, प्याज लंबी लंबी इस तरह काट के इसको थोड़ा सा ब्राउन कर दीजिएगा, उसमें आप लहसुन डाल दीजिएगा और आप उसमें ओरिगैनो डाल दीजिएगा, पेपरिका डाल दीजिएगा और नमक, ठीक है, पेपरिका पाउडर, थोड़ा सा नमक और आप उसमें टमाटर शामिल कर दीजिए। इसके बाद जो बीफ आपने पकाना है, अब देखें मैं तो यहाँ शो पे जल्दी से पक जाए उसके लिए मैं ये बीफ को इस तरह पका के लाई हूँ, और इस बीफ के टुकड़े को मैंने आधा किलो लिया था, आधा किलो अंडर कट का बीफ लेके 10 मिनट के लिए मैंने उसको प्रेशर कुक कर दिया था, और आप इस मसालों के साथ डाल के भी प्रेशर कुक कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड पुल बीफ, ऐसे करके खींच लिया है, पुल किया है, ठीक है। दूसरे अज्जा में यहाँ मेरे पास है शिमला मिर्च जो मैं बाद में डालूंगी, गाजर है और ये पर्पल वाली गोभी है, टमाटर है, हरा धनिया है, चिली सॉस है, कोई भी ले लीजिए, और मेयोनीज के साथ मिक्स करके हम उसको बर्गर बंस पे लगाएंगे। नाउ दिस हैज़ टू कुक प्रॉपरली, थोड़ा सा पानी जाएगा इसमें। अच्छा, मैं आपको दिखाती चलूँ कि मैंने क्या किया था फॉर माय केक। ये देखें कितने अच्छे राइज हुए हैं, स्कूअर लीजिए और उसको बीच में ऐसे करके डालिए और निकालिए, थोड़ी सी देर बाकी है, ठीक है, थोड़े से क्रम्स इसके ऊपर स्टिक हो रहे हैं, सो थोड़ी सी देर बाकी है, सो अगेन इसको, इसीलिए मैंने इसको 3/4 जितना भरा था, पूरा नहीं भरा था, ये याद रखिएगा, पूरा भर के फिर वो ओवरफ्लो हो जाएगा, बाहर आ जाएगा पूरा बैटर, ठीक है। इसको पकने दीजिए, तब तक हम यहाँ मेयोनीज के साथ ये चिली सॉस को मिक्स कर देंगे। ये एक चीज़ और भी हमारी हो गई, और हम स्लॉ बनाएंगे, यानी कि यहाँ से बोल ले लूँ मैं, ये हमारा पर्पल कैबेज है, नहीं है तो रेगुलर कैबेज यूज़ कर दीजिए। फिर मेरे पास यहाँ आइसबर्ग भी है, आइसबर्ग को थोड़ा सा हाथों से इस तरह काट लीजिए, अच्छे से पत्ते लीजिएगा, फ्रेश फ्रेश धो के, सैलड स्पिनर हो तो सैलड स्पिनर में डाल दीजिएगा, इसी में आप गाजर डाल दीजिए कद्दूकश किया हुआ, ठीक है, शिमला मिर्च डाल दीजिए, इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कीमा हो, हमेशा कटलेट्स हो, हमेशा फिले हो, अलग अलग तरीके से चीज़ें बनाना सीखें और बनाइए, अलग अलग तरीक़ों से बनाया होगा तो टेस्ट में भी बहुत फ़र्क होगा, ठीक है। ये देखें प्याज भी ऐसे बड़ा बड़ा जैसे लच्छे में, और ये बीफ भी, इसको पकाना है और टमाटर हो जाएंगे तो इसका पानी हमें सुखा देना है, दैट्स इट। फिर हम बर्गर बंस को टोस्ट करेंगे, उसके ऊपर ये चिली सॉस मेयोनीज लगाएंगे दोनों की तरफ, और फिर ये स्लॉ डालेंगे, स्लॉ यानी कि कोल स्लॉ हमेशा हम गोभी से बनाते हैं, वाइट वाली गोभी से ना, आज हमने पर्पल गोभी से बनाई है, गाजर के साथ इस तरह, ये देखें नाइस एंड हेल्दी वेजिटेबल्स हैं इसमें, ट्राई करिएगा, बनाइएगा, अलग अलग तरीक़ों से खाना बनाइए, अपने घर वालों को, मेहमानों को एक ट्रीट दीजिए। बीफ़ की रेसिपीज़ आप लोग मांगते हैं तो आप लोगों के लिए पुल बीफ बर्गर्स लेके आई हूँ, अब ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, अगर आपको एक बहुत देसी बर्गर बनाना है तो थोड़ा सा पुल बीफ बर्गर के गोश्त में निहारी का मसाला डाल के देखिएगा, उफ़ इतना लजीज बनता है, ट्राई करिएगा, उसको फिर पुल निहारी बर्गर्स कह दीजिएगा। अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है एनिक्स की तरफ से ये गिफ्ट, तो जल्दी से 888-1 पे आप मुझे बताएंगे केक्स के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। वापस चेक करते हैं, बिकॉज़ ये टाइम बहुत क्रूशल है, अगर हमने इसको ओवर बेक कर दिया, ओवर कुक कर दिया, ओवर स्टीम कर दिया तो फिर क्या करेंगे ना हम। नहीं, अभी नहीं हुआ है, बस ये हो जाएगा बाय द टाइम द शो एंड्स, एंड लेट मी जस्ट गो एंड चेक माई आलू। ये देखें बबल हो रहे हैं, ऑलिव ऑयल के साथ मैंने इसको किया है, टोस्ट हो रहे हैं बहुत अच्छी तरह, रोस्ट हो रहे हैं ऊपर से, बिकॉज मैंने इसका ऊपर और नीचे का दोनों का फंक्शन ऑन किया हुआ है यहाँ का, ठीक है। चलिए, सो आई एम जस्ट रेडी टू असेंबल एवरीथिंग टुगेदर। हमारी स्लॉ कलरफुल सी कैप्सिकम है, गाजर है उसमें, थोड़ी सी आइसबर्ग है और पर्पल कलर का फूल गोभी है, ये सब कुछ है, और ये सॉस ज़रा अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी, टमाटर के स्लाइसेस हैं, और ये जो है हमारा गोश्त जो है वो पक रहा है सारे मसालों में,
डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ किया करें, जैसे ओरिगैनो पेपरिका डाल के बहुत अच्छा डिफरेंट सा टेस्ट आएगा, और प्याज भी इसके साथ पका हुआ होगा। आप चाहें तो थोड़ा सा इसके अंदर बारबेक्यू सॉस भी डाल सकते हैं। चलिए ब्रेक ले लें, क्या ख्याल है आपका? ओके ठीक है, ब्रेक हम 2 मिनट के बाद लेंगे, तब तक मैं आपको बताती चलूँ पोलियो की मुहिम के बारे में, ठीक है? सो 5 साल के तक के जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़रूरी है कि पोलियो के कतरे आप पिलाएं, और जब पोलियो की टीम आए तो प्लीज़ उनको अपने घर में वेलकम कीजिए, और ये बच्चे जो भी छोटे हैं आपके घर में हों उनको ये पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाइए। पोलियो से निजात जो होगी तो पूरे मुल्क के लिए होगी, आपके फैमिलीज़ के लिए होगी, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पोलियो को इरेडिकेट कर दें इस दुनिया से। बहुत सारे मुल्कों से ख़त्म हो चुका है, हमारे मुल्क से अभी तक नहीं गया है, बिकॉज़ लोग बहुत डरते हैं। तो खामखा ये रूमर्स और अफवाहें अपने दिमाग में ना लाएं, और तआवुन कीजिए गवर्नमेंट के साथ, पोलियो टीम्स के साथ, और ये कतरे ज़रूर पिलाइए। चलिए देखें, ये भी सूख रहा है, इसको मुझे बर्गर बंस के ऊपर रखना है, ये इतना लजीज बनेगा, आप लोग ट्राई करके फिर मुझे बताइएगा ज़रूर। और हफ्ता इतवार में आपके साथ हूँ लाइव 4 से 5, रात में शो 9 बजे रिपीट होता है, तो देखना मत भूलिएगा। चलिए जी, अब मेरा काम सारा हो गया है, मुझे बस क्लीन अप करना है, सो आई टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से आएंगे तो फिर हम केक्स को भी चेक करेंगे, अवन में पोटैटोज़ को भी चेक करेंगे, इसको भी हमें लगाना है, वो जो काजू का जो पेस्ट है उसको मैंने गरम गरम है तो वो बहुत मैंने ठंडा करने उसको रखा है, ठीक है, बिकॉज हाथों से हम उसको बेल नहीं सकेंगे, सो वी हैव टू डू दैट। सो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए मसाला टीवी। अगर आपको जीतना है एनिक्स की तरफ से स्लाइसर तो 888-1 पे SMS करिए और बताइए हमें केक्स के नाम, मसाला FD लिखिएगा अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। देखें, बर्गर बंस को टोस्ट कर दिया है मैंने ब्रेक में ताकि टाइम बच जाए, फिर आप एक एक चम्मच इसके ऊपर ये चिली मेयोनीज डाल दीजिएगा, यानी कि चिली सॉस और मेयोनीज का कॉम्बिनेशन, आप केचप और मेयोनीज का कॉम्बिनेशन भी डाल सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक। बर्गर्स बिल्कुल सूखे नहीं होने चाहिए, बंस सूखे होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज और हम कोई भी अंदर सॉस नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर मेरे पास यहाँ जो कोल्सलो हमने बनाई है जिसमें हमने कोई मेयोनीज वगैरह नहीं डाला है, उसमें पर्पल कलर की कैबेज है, आइसबर्ग है, शिमला मिर्च है, गाजर है, सब कुछ मिक्स कर दिया है। नाउ ये जो पुल बीफ है गरम गरम, ये उठा के आप पहले नीचे रखिए इस तरह, ठीक है। ये बहुत सारा मैंने बनाया है, 10-12 बर्गर्स इसमें बन जाएंगे। एक एक चम्मच भर के रखिए, टमाटर भी है, प्याज भी है, सब कुछ इसमें है, और केक भी हमारा ऑलमोस्ट डन है, आलू भी हमारे अवन में जो है वो भी ऑलमोस्ट डन है। अब इसके ऊपर आप टमेटोज रख दीजिए इफ़ यू लाइक, फिर ये स्लॉ थोड़ी थोड़ी डालिए, ठीक है। असेंबल अलग से करिएगा, जिस प्लेटर पे सर्व कर रहे हैं उस पे नहीं रखिएगा, वरना हर चीज़ ऊपर नीचे गिर जाएगी, प्लेटर बहुत डर्टी लगेगा। अब आते हैं हम, इसको हम एंड कर देते हैं और इसको आप बंद कर दीजिए, फिर हम इसको सर्व जब करेंगे तो आपको मैं बताऊंगी, ठीक है जी। ये हमारा हो गया, ओके। नाउ कमिंग टू द काजू कतली, गरम है अभी बहुत, उसको आप फैला दीजिए इस तरह, ठीक है। थोड़ा सा आप उसमें घी लगा दीजिए, देन यू टेक योर चांदी का वर्क, स्प्रेड इट ताकि हर जगह अच्छी तरह स्प्रेड हो, बहुत ही बारीक होता है ये, इसको आप ज़रा इस तरह ऊपर करके इस तरह बेल दीजिए हल्के हाथ से ताकि ये हो जाए। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना तब आप इसको डायमंड्स में काट सकेंगे, ठीक है। इसीलिए टू सेव टाइम और आपको दिखाने के लिए मैं बना के लेके आई हूँ, वो मैंने आपको वहाँ दिखाया है। ओके, नाउ कमिंग टू आ केक, केक केक केक, ये
एब्सोल्युटली डन, क्लीन, बिल्कुल साफ निकला है स्कूअर, उसका चूल्हा बंद कर दिया हमने, इसको हम प्लेटर्स पे रख देंगे और सर्व कर देंगे। और ये जो आलू है हमारे, ये बहुत ही बेहतरीन रोस्ट हो गए हैं, तो इसका अवन भी मैं बंद कर देती हूँ। अब ये चांदी का वर्क हर जगह चिपक जाएगा, इसको मैं निकालूँ इसी पे अभी फ़िलहाल, तो मैं यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, अगर आपके आलू आधे कच्चे हैं तो होगा, वरना अगर बिल्कुल कच्चे हैं तो उसको वेजेस को बहुत टाइम लगेगा, आधा पौना घंटा लगेगा। तो इसको बस इधर छोड़ देते हैं, प्लेटर पे हम सजाएंगे आलू, थोड़ा सा ये स्लॉ डालेंगे, बर्गर्स रखेंगे, उसके साथ आप कोई और सैलड रखना चाहें रखें, वरना दिस इज़ मोर देन इनफ। आप ये जो है इसको आप पफ पेस्ट्री के अंदर भर सकते हैं, इसको आप बहुत सारी दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, खमीर के साथ पिज्ज़ा का डो बना के ब्रेड बना सकते हैं, बीच में ये फिलिंग आ सकता है। सो लोड्स ऑफ वेज ऑफ डूइंग ऑल दिस। ठीक है, अच्छा, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा इसको आपने काटना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है आपने। और इसमें रोज़ वाटर ज़रूर शामिल करिएगा, काजू को बहुत अच्छी तरह पीसिएगा, उसका पाउडर करिएगा, काजू साबुत होगा तो आप उसको काट नहीं सकेंगे, हाथों पे घी लगा के उसको बेलिएगा और फिर उसको आप हाथों से नीड करिएगा, लेकिन थोड़ा सा भी ठंडा हो तब, एकदम गरम गरम नहीं, तो ग्लव्स पहन के कर लीजिएगा, क्योंकि इसको अगर आप वेट करेंगे कि ये ठंडा होगा फिर हम करेंगे तो फिर आप उसको गूंद भी नहीं सकेंगे, बेल भी नहीं सकेंगे। ठीक है, और बस आपको इसको काटना है, दैट्स अबाउट इट। सो आई थिंक आई विल नाउ स्टार्ट असेंबलिंग माई फूड, बिकॉज फिर हमारे पास टाइम नहीं रहेगा। सो यह इज़ माई ह्यूज प्लेटर, ओ माई गॉड, भारी सा, जिसपे हम रखना शुरू कर देते हैं हमारे ये जो हैं मज़ेदार से पुल्ड बीफ बर्गर्स, जिसमें हमने स्लॉ भी डाली हुई है, और मैं आई थिंक तीन रखूंगी बिकॉज फिर मेरे पास जगह नहीं होगी फॉर द स्लॉ एंड द पोटैटोज। ये हम थोड़ी सी कलरफुल सी स्लॉ को यहाँ रखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोल्ड स्लॉ में आप इतना भर भर के मेयोनीज डालें, ठीक है, वो याद रखिएगा प्लीज़। अब यहाँ आलू की जगह मैं करती हूँ, ताकि हम आलू को यहाँ रख दें साइड में। फ्रेंच फ्राइज से अगर आप थक गए हों तो पोटैटो वेजेस इस तरह के बना लीजिएगा, वेजेस को गर्म पानी में डालिएगा और निकालिएगा, ताकि जो आधे कच्चे हों और आधे पक्के हों फिर अवन में डालिएगा। ठीक है जी, यहाँ रखती हूँ मैं, बहुत गर्म है अभी, बी केयरफुल, देखें कितने अच्छे ये रोस्ट हुए हैं, देखा आपने, पेपरिका से रंग भी बहुत अच्छा आता है। और अगर आप थक गए हैं मैश पोटैटोज़ और फ्राइज़ खा खा के, तो वेजेस बनाइएगा ज़रूर, अंदर से नरम होंगे ऊपर से क्रिस्पी होंगे ये। और थोड़ी मेयोनीज और चिली सॉस आपने मिक्स किया है वो आप रख सकते हैं ऑन द साइड। चलिए हम रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं, अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है एनिक्स की तरफ से ये गिफ्ट, तो जल्दी से 888-1 पे आप बता दीजिए केक्स के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा। टेक अ ब्रेक। पुल्ड बीफ बर्गर्स, अज्जा, जैतून का तेल 1 खाने का चम्मच, बीफ अंडरकट चंक्स 500 ग्राम, प्याज स्लाइस 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, कटा लहसुन 2 अदद, पेपरिका 1 चाय का चम्मच, खुश्क ओरिगानो 1 चाय का चम्मच, कटे टमाटर 2 अदद, आलू 2 अदद, लाल गोभी 3/4 कप, कद्दूकश गाजर 1 अदद, भुने ब्रेड रोल्स 4 अदद, हरा धनिया 1/4 कप, चिली मेयोनीज के लिए अज्जा, मेयोनीज 2/3 कप, स्वीट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच। तरकीब, गर्म तेल में बीफ अंडरकट इतना पकाएं कि वह ब्राउन हो जाए, अब प्याज, शिमला मिर्च, कटा लहसुन, पेपरिका और खुश्क ओरिगानो डाल के पकाएं, फिर कटे टमाटर और 1/2 कप पानी मिलाकर पका लें, अब नमक और काली मिर्च डालकर पकाएं कि बीफ गल जाए, प्याले में मेयोनीज, स्वीट चिली सॉस, नमक, काली मिर्च, गाजर और लाल गोभी मिक्स करें, अब बंस पर कोल्सलो और बीफ का मिक्सचर डालें, फिर बाकी स्वीट चिली सॉस, मेयोनीज और हरा धनिया डालकर पोटैटो वेजेस के साथ सर्व कर दें। स्टीम्ड चॉकलेट मार्मलेट केक, अज्जा,
मक्खन 175 ग्राम, कोको पाउडर 45 ग्राम, मैदा 175 ग्राम, खाने का सोडा 1/4 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, लाइट ब्राउन शुगर 200 ग्राम, ऑरेंज जेस्ट 1 अदद, अंडे 3 अदद, मार्मलेड 115 ग्राम, कटी डार्क चॉकलेट 100 ग्राम, क्रीम के लिए अज्जा, क्रीम 300 ग्राम, आइसिंग शुगर 1 खाने का चमचा, मार्मलेड 125 ग्राम। तरकीब: पुडिंग बेस में मक्खन लगा के सर्कल को बेकिंग पार्चमेंट में रखें, कोको पाउडर, मैदा, खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर और नमक डालें, मक्खन और चीनी मिलाकर फेंटें, ऑरेंज जेस्ट डाल के अंडे मार्मलेट मिक्स करें, छने अज्जा में फोल्ड करके डार्क चॉकलेट डालें, मिक्सचर को पुडिंग मोल्ड में डालें, बेकिंग पार्चमेंट के पीसेस फॉइल शीट पर रखें, पुडिंग को सॉस पैन में रखकर पानी डालें और कवर करके 2 घंटे 15 मिनट रखें, फिर निकाल कर क्रीम, आइसिंग शुगर और मार्मलेट डाल दें। काजू कतली अज्जा: काजू 1 कप, कास्टर्ड शुगर 1/2 कप, पानी 1/4 कप, रोज वाटर 1/2 चाय का चमचा, घी 1 चाय का चमचा, चांदी के वर्क हस्पे ज़रूरत। तरकीब: काजू को ग्राइंडर में पीस लें, पैन में पानी, कास्टर्ड शुगर और रोज वाटर डाल के पकाएं कि चीनी हल हो जाए, पिसे काजू डालें और घी मिला के धीमी आंच पर पकाएं, अच्छी तरह पक जाए तो गूंद के रोल करें, चांदी के वर्क लगा के डायमंड शेप में काट लें। जी, वेलकम बैक। ओके, सो पुल्ड बीफ बर्गर्स हमारे रेडी हैं स्लॉ के साथ, उसके साथ हमने पोटैटो वेजेस ओवन में बनाए थे, काजू कतली रेडी है, ठंडा हो तो आप काट सकोगे उसको, ठीक है, मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया है। इसी तरह बादाम के साथ आप बना सकते हैं और पिस्ते के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मोर पॉपुलर तो काजू से ही होता है। और आपको इसको अच्छी तरह भूनना है जब तक ये पैन के साइड्स ना छोड़ दे, लेकिन ये जल ना जाए, बिकॉज़ ये बहुत जल्दी नीचे लग जाता है, ठीक है। पाउडर करिएगा, ये बार बार मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा आपको उसको पाउडर करना है, अगर पाउडर नहीं किया आपने तो पीसेस रह जाएंगे काजू के, तो वो मुँह में आएंगे और वो आप उसको बेल नहीं सकेंगे। इस तरह आपको भूनना है, बेलना है उसको। और मैंने चूल्हे पे आपको चॉकलेट ऑरेंज स्टीम्ड केक्स बनाना सिखाए हैं। आई होप आपने ये सारी रेसिपीज़ नोट की हैं, आप बनाएंगे इसको ज़रूर और मुझे आप फीडबैक दीजिएगा। मिसेज़ अफजल विनर हैं हमारी लाहौर से, आपको मुबारक हो। मिसेज़ हसन मुल्तान से विनर है आज की। ओके जी, अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त, अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी अगले हफ्ते और इतवार एक्सपो सेंटर में, मसाला फैमिली फेस्टिवल में ज़रूर आइएगा। मेक आर फेस्टिवल अ रोरिंग सक्सेस जैसे हर साल आप लोग करते हैं, आप हमें मिल सकते हैं, हमारी लाइव कुकिंग देख सकते हैं, ऑटोग्राफ ले सकते हैं, बहुत सारे अच्छे अंदर गेम्स हैं, प्राइजेज़ हैं। कराची वाले कहते थे इतने अरसे से कराची में नहीं हो रहा है, अब इस हफ्ता इतवार कराची में है 21-22 जनवरी को, तो ज़रूर आइएगा एक्सपो सेंटर कराची, ठीक है। तो आपकी मुलाकात होगी मेरे से और दूसरे सारे हमारे शेफ्स और होस्ट से। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।